जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ पंचायत के और गांव समाज की बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले कुएं के पानी पीता था। कुआं के पानी पीकर लोग 100 साल जीते हैं। आज कैंटीन के पानी पीकर भी लोग 60 और 65 साल में अपना स्वर्ग सिधार रहे हैं। बड़े अंदाज में और खुल के बात करने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। खास करके हर एक पंचायत के मुखियाओं से अनुरोध है, अगर आप लोग नहीं कीजिएगा इस पे सुनवाई तो हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे और सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्या कुएं की जो निर्माण के लिए रुपया सरकार ने आवंटित किया था, क्या आपके कुआं का मरम्मत हुआ है? आपके जो गांव में कुआं है उस कुआं के पानी पीने लायक है? बिल्कुल नहीं होगा। पहले के ज़माने लोग कुएं के पानी पीते थे, लेकिन आज के लोगों को कुएं का पानी नसीब ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको कुछ सरकार ने जो 2021 में एक कानून बनाया था, सरकार ने एक निर्णय लिया था, जितने भी कुआं बिहार में है उस कुआं को फिर से बचाया जाए। हम जिसको वोट देते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, वो लोग कभी पंचायत में दिखते ही नहीं है। चोहर पंचायत के भी मुखियाओं से अनुरोध है और तमाम बिहार के मुखियाओं से अनुरोध है कि आपके गाँव में जो कुआँ है उस कुआँ को बचाने का प्रयास कीजिए। उस कुआं के लिए 2021 में बिहार सरकार ने और पंचायती राज मंत्री ने एक बैठक किया था और उस बैठक में ये निर्णय लिया था, जितने भी कुआं बिहार में है उस कुआं को फिर से बचाया जाए। सरकार ने उस बैठक में ये निर्णय लिया था कि 62,000 करोड़ रुपये से हरेक कुआं को बचाया जाए। हरेक कुआं के लिए 62,000 रुपया दिया गया था ठेकेदारों को कि आप काम कीजिए, कुआं को बचाइए। लेकिन हर एक गांव में कुआं पर काम तो हुआ है, ऊपर से रंग टिप करके सारे चीज़ें उस पर लिख कर पैसा उठ गया है। नहीं, उस कुआं की आज भी उस कुआं की पानी पीने तक लायक नहीं है। और नारायणपुर प्रखंड के 13 पंचायतों में करीब 700 कुआं है, लेकिन एक भी कुआं की पानी लायक नहीं है। और जो भी कुआं है वो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कुछ लोग बिहार के जो जनता है उनको मतलब ही नहीं होता है, लेकिन आजकल के जो सोशल मीडिया के पत्रकार कहा जाए, चाहे यूट्यूबर कहिए, वो लोग आज आप लोगों को जगाने का काम करता है। उनकी वीडियो को देखकर आप लोग जागिए, क्योंकि बिहार के लोग सो जाते हैं। वो आवाज़ उठाना चाहते नहीं है, लोगों से लड़ना चाहते नहीं है, मुखिया जी से सवाल करना चाहते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हम मुखिया जी से ये सवाल पूछेंगे तो हमारा आपसी संबंध खराब हो जाएगा, मुखिया जी जो कुछ आप लोगों को देते हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन बिहार के बहुत सारे यूट्यूबर और युवा तैयार हो गए हैं आपसे सवाल करने के लिए, क्या इस कुआं की मरम्मत होगा कि नहीं, क्या पूर्वजों की संपत्ति को बचाया जाएगा कि नहीं, बचाया जाएगा। तो भाई, हम सब लोगों को एक लड़ाई लड़ना होगा कुआं के लिए। भैया, मेरे पास एक व्यवस्था है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पब्लिक न्यूज़, इनके माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होता है, जो मुखिया के प्रेमी हैं, जो नेताओं के प्रेमी है, जो नेता के लोग चापलूसी करते हैं, उन लोगों को तो ज़रूर तकलीफ़ हो जाता है कि तुम गलत सवाल उठाते हो, तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो। भैया, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। आप लोग बने रहिए और आप लोगों का बस साथ चाहिए। दोस्तों, क्या इस कुओं का मरम्मत होनी चाहिए, क्या कुओं की साफ़ सफाई होनी चाहिए कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी आपके गाँव में भी कुआँ है, अगर उसका काम नहीं हुआ है, तो मेरे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। उस कुआं के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, वहाँ के मुखिया प्रत्याशी से सवाल करेंगे, क्या आपको जो पैसा दिया गया था, क्या उस पैसे पर कितना परसेंट लेकर आप इस कुआं को बंद कर दिए हैं, क्यों नहीं कुआं की साफ सफाई हो रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, हम लोगों को संघर्ष करना होगा, तब जाके गाँव में आपका विकास होगा। विकास होगा कैसे? आप लोगों की वजह से ही ना। आप लोग साथ दीजिएगा तब ना। हर एक पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक मुखियाओं की बात कर रहा हूँ। पंचायत में 29 काम मुखिया सरपंच वार्ड को दिया जाता है कि आप काम कीजिए, लेकिन कहाँ करेंगे भैया, ये सब संभव है।
और संभव हो सकता है, क्योंकि आप लोग जिस दिन जाग जाएंगे, जिस दिन आप लोग मुखिया से कॉलर पकड़ कर सवाल करने लगेंगे, उस दिन विकास क्या, उस दिन तो गांव की सूरत बदल जाएंगे। हमारे देश के महात्मा गांधी जी कहते थे, हमारे भारत माता की आत्मा बसता है गांव में, हमको स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गाँव चाहिए। जिस दिन हमारा स्मार्ट गाँव बन जाएंगे, उस दिन हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। भैया शहर गाँव से ही लोग शहर जाते हैं, गाँव से लोग ही शहर जाते हैं, तो पहले गांव को शिक्षित कीजिए, गांव को ठीक कीजिए और ऐसे ऐसे मुखियाओं से सवाल कीजिए। और कुओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कुओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कुआं अगर तब्दील खंडहर में है, तो उनके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आप लोगों के बीच जाएंगे, आपसे बातें करेंगे, मुखिया सरपंच सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।